today we have made fish kaldeen, in which we've used chanok, which is sea bass. And kaldeen is a Portuguese dish that was created in Goa. एक पैन लीजिए, पैन को मीडियम से लो हीट में डालिए और उसमें ऑलिव ऑयल या रेगुलर ऑयल आप डाल सकते हैं। उसमें आप डालिए करी पत्ता और करी पत्ता को हल्का सा क्रैकल करने दीजिए। क्रैकल करने के टाइम आप ऐड करोगे स्लाइस जिंजर और ग्रीन चिलीज चॉप्ड, और फिर आप इनको सौते कीजिए जब तक फ्लेवर या अरोमा इसकी नहीं निकलती। इसकी फ्लेवर और अरोमा निकलने के बाद इसमें ऐड कीजिए हल्दी, और हम लोग यहाँ पे कालदीन मसाला यूज़ करते हैं, बट अगर आपके पास कालदीन मसाला ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हल्दी को आप आस्ते से भूनिएगा, इसमें ऐड कीजिए पानी जिससे हल्दी जले नहीं। जैसे ही हल्दी ऐड करने के बाद पानी में मिक्स हो जाता है, आप इसमें ऐड कीजिए अपना चानोक सीबास जो हमारा लोकल मिलता है, और इसे हल्का सा कुक कीजिए। फ़िश ऐड करने के बाद आप इसको थोड़ा से सिमर कीजिएगा। और इसको 5 से 6 मिनट तक कुक कीजिएगा। अगर आप श्योर नहीं है फ़िश कुक हुआ है कि नहीं हुआ है, आप एक फोक लेके उसको प्रेस करके देख सकते हो। अगर अंदर तक कुक हो गया है मिडिल में, तो मतलब आपकी फ़िश कुक हो गई है। ये पॉइंट में आपको कोकोनट मिल्क पाउडर या कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम ऐड करना है, और इसको हल्के से स्टर करना है जैसे सारे मसाले और ग्रेवी मिल जाए। जब ये आपकी हो जाती है, तब आपको इसमें सीजनिंग डालना है। सीजनिंग में सॉल्ट और शुगर डाल सकते हैं आप टेस्ट के अनुसार, और फिनिशिंग के टाइम आपको इसमें चॉप्ड कोरिएंडर डालना है। तो गोवा में ये डिश आप उखड़े राइस के साथ या हमारे पोई मेकर्स के पोई के साथ खा सकते हैं। पोई गोवा की लोकल ब्रेड है जो हर घर में मिलता है और ट्रेडिशनली खाया जाता है। तो आप कालदीन को राइस और पोई के साथ खा सकते हैं। ये रेसिपी को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।